अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं सातवीं जमात का राजी मजमून मैथ सब्जेक्ट का सबक नंबर 11 दायरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी खिदमत में लेक्चर नंबर 2 लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम जो है मस्की सवालात नंबर 42 को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले लेक्चर में हमने बहुत सारे जो है दायरे के बारे में बुनियादी मालूम हासिल किए थे और दायरे के मुहित का जब्ता भी हमने देखे थे। आज हम प्यारे बच्चों मस्की सवालात के अंदर जो है बहुत सारे सवालात लिखे गए हैं, ये हल करके देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, मंदरजा ज़ैल जदोल मुकम्मल करो। तो उसमें जो 4 सवाल दिए हुए हैं, 4 सवाल में 2 सवाल आपको यहाँ हल करके बताए जा रहे हैं और 2 सवाल आपको हल करना है। अब प्यारे बच्चों गौर करना है, यहाँ पर जो निस्फ कुतुर है, कुतुर है और मुहित है। ठीक है, तो दायरे का निस्फ कुतुर दिया हुआ है, हमको कुतुर मालूम करना है और मुहित मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे हम दायरे के मुहित का जाप्ता है, दायरे के मुहित का जाप्ता है, ठीक है, 2 पाई आर। अब आर से मुराद क्या है, निस्फ कुतुर हमको दिया हुआ है 7 सम, तो 2 ज़रबो पाई की कीमत होती 22/7 ज़रबो 7। अभी ये हल करेंगे हम, 7 कट जाएगा तो 44, कितना जवाब आएगा 44 सम। दायरे का मुहित जो रहेगा वो रहेगा 44 सम। ठीक है, अब प्यारे बच्चों निस्फ कुतुर 7 सम है, तो जाहिर सी बात है कुतुर जो रहेगा उसके डबल रहेगा, 14 सम रहेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चे यहाँ पर कुतुर जो 28 सम दिया हुआ है, कुतुर जो है वो 28 सम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है निस्फ कुतुर उसके आधा रहेगा तो 14 सम आएगा। निस्फ कुतुर कितना आएगा, 14 सम आएगा। अब हम जो है इसी फॉर्मूले में रख कर दायरे के मुहित मालूम करेंगे। ठीक है, तो दायरे का मुहित का जाप्ता हमको पता है 2 पाई आर, तो 2 ज़रब पाई की कीमत कितनी है 22/7, और यहाँ पर निस्फ कुतुर कितना है 14 सम। ठीक है, तो 7 × 7 = 14, 22 × 44, 44 × 88, तो 88 सम आएगा। ठीक है, 88 सम आएगा। इस तरह दायरे के मुहित के जाप्ते में रखकर हम जो है तमाम वैल्यू को, तमाम कीमत को मालूम कर सकते हैं। 3 नंबर 4 नंबर जो है वो सवाल वो आपको हल करना है, आपके लिए घर काम रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, एक दायरे का मुहित 176 सम है, तो उसका निस्फ कुतुर मालूम करना है। जाहिर सी बात हमको यहाँ जाप्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दायरे के मुहित का जाप्ता है, दायरे का मुहित बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम 2 ज़रब 22/7 निस्फ कुतुर हमको मालूम करना है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, और दायरे का मुहित कितना दिया हुआ है 176। अब हम जो है आर को इधर लाएंगे तो ये तकसीम है, तो इसके साथ ज़रब हो जाएगा और ये दोनों ज़रब में, तो ये तकसीम में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे आर बराबर 176 ज़रब 7 बटे 2 ज़रब 22। ठीक है, 2 ज़रब 22। अब 176 दो से तकसीम हो सकता है, 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 16। ठीक है, अब 88 और 22 ये 11 से तकसीम हो सकते हैं, 11 × 2 = 22, 11 × 8 = 88, तो हो जाएगा 8 ज़रब 7 बटे 2। ठीक है, अभी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 8, तो 7 ज़रब 4 आएगा 28, कितना आएगा 28 सम। ठीक है, दायरे का निस्फ कुतुर कितना रहेगा 28 सम रहेगा, हमको निस्फ कुतुर मालूम पड़ गया। आर से मुराद जो है रेडियस, और रेडियस को निस्फ कुतुर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हम सवाल नंबर 1 हल किए, सवाल नंबर 2 हल किए, अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सवाल नंबर 3, एक दायरा नुमा बाग का निस्फ कुतुर 56 मीटर है। बाग के समझिए दायरा नुमा बाग है, ये दायरा नुमा बाग है, उसका निस्फ कुतुर कितना बोल रहा है, वो यहाँ से निस्फ कुतुर रहेगा, ये 56 मीटर बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं 56 मीटर बोल रहे हैं, समझेंगे। बाग के इर्द गिर्द 4 फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए, यहाँ पर जो है इस तरह से 4 मरतबा हमको तार लगाने हैं बाड़, जो खेत देख, आप अगर गौर करेंगे तो खेत के जो अहाता होता है वहाँ पर बाड़ लगी होती, तार की बाड़, ताकि कोई जानवर वानवर अंदर ना आ सके, उसके लिए लगाते हैं। तो हमको 4 मरतबा तार की बाड़ लगाना है। ठीक है,
चार फेरों वाली तार की बाड़ लगाने के लिए 40 रुपये फी मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जो दायरे का मुहित मालूम करेंगे, दायरे का मुहित मालूम पड़ गया, हमको पता चल गया, तो हम जो उसको चार से ज़रब दे देंगे तो चार बार तार उसमें लग जाएंगे, फिर जो कीमत आएंगे उसको हम 40 से ज़रब दे देंगे तो हमको जवाब हासिल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले दायरे का मुहित देखेंगे, दायरे का मुहित बराबर 2πr। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम, 2π की कीमत 22/7 और r जो कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, इसमें कुतरो 56 मीटर दिया हुआ है, तो ये 56। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 × 7 = 56, तो 2 ضرب 22 ضرب 8, ठीक है, बराबर 22 × 44, 44 को 8 से ज़रब देंगे हम, 44 को 8 से ज़रब देंगे, 8 × 32 के 2 हासिल आए 3, 8 × 32 = 3 = 35, 352। ठीक है, तो ये जो है एक मरतबा तार जो लगेंगी उसका हमको पता चल गया मीटर, 352 मीटर लगेगा। ठीक है, एक राउंड के लिए 352 मीटर लगेंगे तार, है ना, तब 352 को हम जो है 4 से ज़रब दे देंगे तो 4 राउंड लग जाएगा, 4 फेरों वाली तार लगाना है हमको, 4 फेरा लेना है उसका। ठीक है, तो 4 × 8, 4 × 5 = 20 के सिफर हासिल है 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 1408 मीटर तार हमको लगेगी। ठीक है, 1408 मीटर हमको तार लगेंगी और एक मीटर तार की मजदूरी कितनी है, 40 रुपये है, तो हम जो 1408 को 40 से ज़रब दे देंगे। ठीक है, 40 से ज़रब दे देंगे तो सिफर के सिफर वैसे उतर जाएगा। अब 4 से ज़रब दे देंगे हम, 4 × 32 के 2 हासिल आए 3, 4 × 0 = 0 और 3 = 3 आ जाएगा उसका, और 4 × 16 के 6 हासिल आए 1, 4 × 4 = 1 = 5, 56320 हमारा जवाब आएगा। थोड़ा मैं क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ, 56320 बराबर है, 56320 हमारा मीटर में रुपये में आएगा, इतना रुपया लगेगा। तार जो है 1408 मीटर लगेगी और एक मीटर का 40 रुपया जो है मजदूरी है, 40 रुपये फी मीटर मजदूरी है, तो हमको 40 से ज़रब देंगे तो 56320 रुपये हमको खर्चा आएगा, टोटल खर्चा जो रहेगा 56320 रुपये खर्चा आएगा। इस तरह प्यारे बच्चों सवालों को बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, सवाल में ही पूरा जवाब होता है, सवाल में ही पूरा जवाब है, बस हमको अच्छे से पढ़ कर जो है उसकी कीमत को फॉर्मूले में रखकर उसको अच्छे से सॉल्व करना है, हल करना है, तो हमारा जवाब हमको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 2 जो हमारा वो यहीं पर ख़त्म होता है, आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।